राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों हेतु कार्यक्रम अकबर। भारतीय इतिहास में अकबर का नाम किसने नहीं सुना। मुगल युग का वो एक ऐसा बादशाह था जिसे संगीत कला, चित्रकला और वास्तुकला से बहुत लगाव था। संगीत सम्राट तानसेन और चुटकुलों के बादशाह बीरबल उन्हीं के दरबार में थे। और तो और, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, हुमायूं और सिकंदरा का मकबरा देखकर आज भी अकबर शासन के वे दिन याद हो आते हैं। सन 1556 की बात है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके 13 वर्ष के पुत्र को मुगल साम्राज्य का शासक घोषित किया गया। नए शासक का नाम था अकबर। राजगद्दी पर बैठते ही अकबर ने आगरा और दिल्ली को अपने अधीन करने का फैसला कर लिया। मेरे बहादुर साथियों, इस युद्ध में हमें दिल्ली और आगरा जीतना है। सावधान, हेमू विक्रमादित्य की फौज आ रही है। तो साथियों, टूट पड़ो दुश्मन पर। मेरी आंख, बचाओ। महाराज अकबर की जय हो। आपका तीर लगने से हेमू विक्रमादित्य घायल हो गया है। हमारी सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब तो उसकी फौज जान बचाकर भाग रही है महाराज। तो इसका मतलब हुआ हम जीत गए। हाँ, हम जीत गए, हम जीत गए। हाँ, महाराज अकबर की जय हो। इस प्रकार अकबर ने अनेक युद्ध लड़े और जीते। उनकी इच्छा तो संपूर्ण भारत पर शासन करने की थी। इसके लिए अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्री का हाथ बढ़ाया। इतना ही नहीं, अकबर था तो मुसलमान, परंतु उसने हिंदुओं के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करने में पहल भी की। जयपुर के महाराज भारमल की जय हो। अकबर का एक दूत आपके दर्शन करना चाहता है महाराज। अकबर का दूत? ठीक है, आने दो। महाराज, अकबर के दूत का कोई विशेष अभिप्राय होगा। हो सकता है अकबर ने युद्ध करने का प्रस्ताव भेजा हो। हम भी राजपूत हैं, ईंट का जवाब पत्थर से ही देंगे। शांत कहो दूत, अकबर का क्या संदेश लाए हो? महाराज भारमल की जय हो। हमारे महाराज अकबर राजपूतों के साथ मित्रता करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आपकी पुत्री जोधाबाई के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की है महाराज। क्या जोधाबाई के साथ? अकबर ने जोधाबाई, शांत कहो महामंत्री, तुम्हारी क्या राय है? मित्रता से अच्छी कोई बात तो हो ही नहीं सकती महाराज। ठीक है, फिर तो अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना उचित रहेगा। और इस प्रकार अकबर का विवाह राजपूत कन्या के साथ हो गया। इसके बाद अकबर ने राजपूतों को मुगल साम्राज्य में ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए। मित्रता बनाए रखने की अकबर की यह नीति बहुत ही सुलझी हुई थी। उत्तरी भारत में
अपना शासन स्थिर करने के लिए है, अकबर ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई। धार्मिक भेदभाव के आधार पर लगाए जाने वाले कर समाप्त कर दिए गए। अकबर पधार रहे हैं। महाराज अकबर की जय हो। महाराज अकबर की जय हो। महाराज अकबर की जय हो। जय हो। महामंत्री। महाराज, हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा आदि तीर्थ स्थानों पर काफी यात्री आते हैं। जी हां महाराज। इन तीर्थ यात्रियों से कर वसूला जाता है। जी हाँ महाराज, सभी यात्रियों से जजिया यानी तीर्थ यात्रा कर वसूल किया जाता है। तो फिर आज से जजिया यानी कर की वसूली बंद। कर, अरे कर वसूलने, कर वसूलने की मनाही, राजकोष खाली हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं महाराज? इन यात्रियों से मिलने वाले कर से हमें काफी आमदनी होती है। अकबर को ऐसी आमदनी की परवाह नहीं। हम धर्म के आधार पर प्रजा में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहते। अकबर की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी हिंदुस्तान को एकता के सांचे में ढालना। वह पूरे हिंदुस्तान के साथ घुलमिल कर रहना चाहता था। अकबर हमेशा सोचता रहता कि क्या ऐसा एक धर्म नहीं हो सकता जिसमें सभी धर्मों के लोगों को विश्वास हो। अल्लाह अल्लाह। क्षमा करें महाराज, कोई गंभीर बात सोच रहे हैं? कौन? महामंत्री? महाराज आओ, तुमने ठीक कहा। अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में हमने एक इबादत खाना यानी पूजा घर बनवाया है। हाँ महाराज, इस पूजा घर में तो सभी धर्मों के विद्वान आते हैं। और सभी जानते हैं कि प्रत्येक बृहस्पतिवार मैं स्वयं इस पूजा घर में सब धर्मों के विचार सुनता हूं। जी हां महाराज। इन सभी धर्मों के विद्वानों को सुनने के बाद मेरा विचार है कि एक ऐसा नया धर्म हो जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को शामिल किया जाए। विचार तो अति उत्तम है महाराज। इतना ही नहीं, मैंने तो इस नए धर्म का नाम भी सोच लिया है, दीने इलाही। इस प्रकार दीने इलाही शुरू हो गया। इस धर्म का मुख्य सिद्धांत था ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर। मनुष्य को सत्य असत्य का निर्णय करते समय भेदभाव और अंधविश्वास का नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से लोगों ने दीने इलाही को अपना लिया और अकबर के बहुत से दरबारी भी इस धर्म के अनुयायी बन गए। अकबर के शासनकाल में जहां एक ओर कला और साहित्य समृद्ध हुआ, वहीं दूसरी ओर लोगों में भाईचारे की भावना भी बढ़ी। मगर हाय रे दुर्भाग्य, 1605 में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है। तभी तो इतिहास उन्हें अकबर महान के नाम से जानता है। अकबर, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख
भगवान दास वधवा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार देवकी नंदन पांडे, राधा कृष्ण दत्ता, जैमिनी कुमार, मनोज भटनागर, राम मैनी, नीरज शर्मा, अभय भार्गव, यमन कौशिक और बी आर एल सक्सेना। ध्वन्यांकन भूषण गजभिये, निर्माण सहयोग अतुल माथुर, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा और परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।